नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और ये सत्र बेहद हंगामेदार भी नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार को लगातार कभी अपराध के मुद्दे पर और गिरते हुए पुलों पर घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के अलावा बिहार को स्पेशल दर्जा ना दिए जाने को लेकर के भी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर काफी हमलावर है। लेकिन इन सब के बीच आज पेपर लीक को लेकर के विधानसभा में बिल पेश होने जा रहा है। अब बता दें आपको कि पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं अब उनकी खैर नहीं है। नीतीश सरकार अब बेहद सख्त नजर आ रही है और इसको लेकर के आज विधानसभा में बिल भी पेश किया जाएगा। अब पेपर लीक में आपको बता दें कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो भी पेपर लीक करने की अब हिम्मत करेंगे। इन सब के अलावा कौन कौन से बिल आज पेश किए जाएंगे विधानसभा में वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे अहम है पेपर लीक। पेपर लीक का मामला बेहद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पेपर लीक का जो मामला है वो कोई नया नहीं है। आए दिन किसी न किसी परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता है और इसी के साथ तमाम जिंदगियां, तमाम लोग, उनकी मेहनत, सब कुछ बर्बाद होकर के रह जाता है। लेकिन अब पेपर लीक, जब नीट पेपर लीक मामला सामने आया बीते दिन जिसको लेकर के सबसे ज्यादा बवाल हुआ, उसके बाद से अब सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और पेपर लीक को लेकर के अब नए बिल भी लेकर के आ रही है जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना बताया जा रहा है। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाला बिल पेश किया जाएगा। नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसका प्रावधान है। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर यह कानून प्रभावी होगा। पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा पेपर लीक मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। जी हां, पेपर लीक मामले की जो जांच है वो अब डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। पूरी तरीके से सरकार यहां पर सख्त नजर आ रही है पेपर लीक मामले को लेकर के। नीट पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सरकार की काफी फजीहत हुई थी, लाखों जिंदगियां यहां पर बर्बाद हो गई, लोगों की मेहनत जो कि एग्जाम देने पहुंचे थे, एक पेपर लीक ने सब कुछ खत्म करके रख दिया था। सरकार कितनी किरकिड़ी हुई, तरह तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो शुरू हो गया था। अब इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है और अब इसको लेकर के आज विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी बिल जो है वो पेश करने जा रही है सरकार। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आज विधानसभा का सत्र भी काफी ज्यादा हंगामेदार होने के आसार है। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार तक के साथ।